हाँ दोस्तों, ऐसे स्थान पर हूँ जिसे देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे, जिसे देखना भी चाहते हैं। यह देवभूमि उत्तराखंड का यह अद्भुत संगम, अद्भुत प्रयाग। सबसे पहले हम दो नदियों में से दिखाते हैं आपको भागीरथी को। यह भागीरथी को आप देख सकते हैं, पहाड़ों से भागीरथी कैसे आ रही हैं। उधर झूला पुल है, उसके आगे भी एक पुल है, और हिमालय की पर्वत मालाओं में अपना स्थान बनाते हुए काले काले पर्वत, और उन पर्वतों के बीच से यह भागीरथी अपने वजूद को स्थापित करते हुए आ रही हैं, और जिसमें मिल रही हैं हम उन्हें दिखा रहे हैं। पहले इधर आप देखिए, इधर भी पर्वतमालाओं को आप देख रहे हैं, और शाम का मौसम है, बारिश कभी भी आ सकती है। रास्ते में कई जगह पत्थर गिरे थे, यानी पहाड़ों का गिरना हुआ था, उनसे दो चार होते हुए हम आ गए हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग एक ऐसा स्थल है, एक ऐसी तीर्थस्थली है जो पांचों प्रयाग में सर्वाधिक महत्व रखता है। इस तरफ आप देख सकते हैं अलकनंदा, और फिर हम दोनों के संगम को दिखा रहे हैं। इधर आप ऊपर कुछ मंदिर देख सकते हैं, कुछ और भी होटल वगैरह हैं। हम इंक्रोचमेंट भी दिखाएंगे, किस प्रकार अतिक्रमण हो रहा है। लाख समझाने के बाद और शासनादेश रोज जारी होते रहते हैं, एनजीटी के नियम रोज लागू होते हैं, लेकिन कोई असर नहीं है। बड़ी आपदा आई 2013 में, उसके बाद भी लोगों ने इस पर कोई उनके ऊपर असर नहीं हुआ। आइए, आपने भागीरथी का दर्शन किया, इसके पहले इसके और ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा रुद्रप्रयाग, उसके ऊपर आप जाएंगे मिलेगा कर्णप्रयाग, और यह टिहरी गढ़वाल जनपद में हम हैं। आइए हम इस अलकनंदा का दर्शन आपको कराते हैं। यहाँ आप देखेंगे यह अलकनंदा का कैसा पानी है, और यह पानी भागीरथी का कैसा है। हम नीचे भी चलते हैं और वहाँ जाकर के एक बार स्पर्श करेंगे, सर माथे पर इस पानी को लगाएंगे। बताते चलें दोस्तों, भगवान राम जब वनवास को गए थे, और जिन्होंने माता जानकी की रक्षा किया था लड़ करके, जिन्होंने सीता मैया के लिए दशानन से जो लड़ा था, लंकेश से लड़ा था, उनका नाम था जटायु। जटायु की कर्म स्थली है। चंद्रशेखर मिश्र ने अपनी कविता में लिखा, नारी के लाज बचावे के खातिर भारत में गिद्धो मर गई ना, गिद्ध भी मर गए। गिद्धांचल पर्वत है यहाँ, लेकिन अब यहाँ गिद्ध नहीं है, ऐसी पर्यावरण पोषित भूमि पर भी गिद्ध नहीं है। और इस पर्वत को देखेंगे आप तो लग रहा है कि इस पर कोई पेंट किया गया है, ऐसा है नहीं, यह नेचुरल है। और भी बताते चलें, भगवान विष्णु के अवतार महर्षि परशुराम की तपोस्थली भी है यह स्थान, जिसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ दो नदियों का संगम हो गया। अब आप पूछेंगे, भैया यहाँ से कौन नदी शुरू होती है? दोस्तों, यहीं से भागीरथी गंगा के रूप में चलती हैं। लगभग 70 किलोमीटर दूर जाने के बाद वह ऋषिकेश पहुँचती हैं, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद देवभूमि जब समाप्त होता है तो आगे हो जाता है उत्तर प्रदेश का बिजनौर। तमाम आइए हम नीचे चलते हैं एक बार और आपको दिखाते हैं। अब हम आ गए हैं दोस्तों, यहाँ देखिए जंजीरें लगा दी गई हैं और पानी आ रहा है। थोड़ा सा और मैं यहाँ बढ़ करके चला जाता हूँ। तो यह आपने देखा, दोनों नदियों को देखा, और यह हिमालय को आप देख रहे हैं। देखिए उधर कुछ दिखा रहे हैं, भैया को भी देख लीजिए। हाँ, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है, कौन सी नदी उधर है? ये संगम हो रहा है।
है यहाँ पे अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी का। कहा तीनों का कहा है? तीनों का ही है, हमें तो तीनों का बताया गया है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हरियाणा। अच्छा, तभी नहीं जानते हैं ना। चलिए, उधर भागीरथी है, उधर भागीरथी और इधर अलकनंदा, दो नदियों का संगम है। और यहाँ से शुरू हो जाती है गंगा, पतित पावनी गंगा, यहाँ तक यह गंगा मैया, यहाँ तक भागीरथी थी, राष्ट्रीय नदी गंगा, गंगा मैया। कहाँ से आए आप? पंजाब में। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। लुधियाना से? हाँ जी। पंजाब का क्यों नाम हंसा रहे हैं? थोड़ा खाया खाइए, यहाँ यहाँ मंडुआ की रोटी आपको मिलेगी और कुछ। वो तो सेहत जैसी है वैसी रहेगी जी। लुधियाना बहुत बढ़िया। और वहाँ नवा शहर भी है। हाँ, नवा शहर है। हाँ जी। नवा शहर किसका है, किसके नाम से जाना जाता है? शहीद भगत सिंह नगर। शहीद भगत सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, शुभकामना पंजाब से आए हैं। क्या नाम है आपका? दीपक चोपड़ा। दीपक चोपड़ा साहब, तो दोस्तों हम आपको इंक्रोचमेंट भी दिखा रहे हैं। देखिए, हनुमान गुफा है, एक बार हनुमान गुफा का भी अवलोकन कर लेंगे। और ये अभी कोई गुफा है? यहाँ तमाम गुफाएं हैं और इस गुफा को देखेंगे, यह पहाड़ के भीतर, और यह भी पहाड़ के भीतर यह हनुमान गुफा है, अंजनी पुत्र हनुमान। हाँ, आ जाइए। कहाँ से आए हैं? यूपी सहारनपुर जी। सहारनपुर, बहुत बढ़िया। हमारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, बहुत बढ़िया। तो केदारनाथ से होके आ गए? नहीं नहीं, केदारनाथ जाना है अभी, जा रहे हैं। आप पैदल गए थे श्री केदारनाथ की? नहीं, मैं बद्रीनाथ से आ रहा हूँ। अच्छा, केदारनाथ अभी नहीं गए थे? नहीं गए, तुंगनाथ जी जाकर आया हूँ। अच्छा, तुंगनाथ। क्यों? हाँ, हिम्मत नहीं हुई कि मौसम की खराबी या फिर समय इतना था जी, टाइम मेरे पास 4-5 दिन का था, तो मैंने एक तुंगनाथ का। देखिए, इधर लोग जयकारा भी लगा रहे हैं, एक बार लग जाए बढ़िया से। कहाँ से आए हैं बजरंगी? अम्बाला से जी। अम्बाला से, बहुत बढ़िया। हरियाणा? हरियाणा से। हरियाणा से, हाँ जी, बहुत बढ़िया। जाइए, आगे नहीं बढ़ना है। नहीं, यहीं पे ठीक है। हाँ, एक बोलते भी लेना है। आइए, क्या बोलेंगे? बस वैसे ही बोलिए। हाँ, वीडियो फोटो, फोटो एक। यह क्यों पहना है आप? ये जी चांदी का, अच्छा बताते हैं चांदी। अच्छा बताते हैं, मतलब बीपी उपी नहीं होता है? हाँ जी। आपकी? तो दोस्तों आइए, हम पढ़ते हैं हनुमान गुफा की तरफ। अरे और भी हो जाएगा। यहाँ से इन पहाड़ियों को आप देख सकते हैं, और दोनों पहाड़ों के बीच से आ रही हैं अलकनंदा। एक बद्रीनाथ से आ रही हैं और एक आ रही हैं गंगोत्री से। गंगोत्री माँ का भी हमने दर्शन कराया था आपको, और हमने रुद्रप्रयाग तथा कर्णप्रयाग का दर्शन कराया था। भगवान परशुराम की यह तपोस्थली, गिद्ध जटायु की तपोस्थली, नरसिंह भगवान यहीं पैदा, यहीं बराह भगवान भी यहीं पैदा हुए हैं, ऐसा बताया जाता है। आइए एक बार गुफा की तरफ चलते हैं। आप भीतर देख रहे हैं, चारों तरफ से पहाड़ है और भीतर बालू है। इधर माँ दुर्गा का एक प्रतिमा है, और इस तरफ एक ये भगवान शिव का एक शिवलिंग है, और इधर नंदी भगवान विराजमान हैं जो लगातार उधर देख रहे हैं, और यह एक दीपक जल रहा है। देखिए, इंक्रोचमेंट ऐसे हो रहा है। इधर भी देखिए आप, उस पहाड़ पर जो कोई निर्माण कराया गया है, इसके ऊपर निर्माण कराया गया है, यह सब नहीं कराए जा सकते। इधर भी आप देख रहे हैं, तो नदियों को बांधने का ही प्रतिफल है कि आज हम इसका दंड भोग रहे हैं। अभी वापस जाओ। तो दोस्तों, यह विहंगम दृश्य। अच्छा, आप यही हैं? आइए 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 आइए। वाह वाह वाह, महाराज जी की जय हो, श्री गंगेश्वर महादेव। बताइए प्रभु, इसका कुछ महत्व बताइए। ये गंगेश्वर महादेव। अच्छा, गंगेश्वर महादेव। अच्छा, ये भागीरथी। हाँ, ये अलकनंदा। अलकनंदा, हाँ, अलकनंदा। हाँ, ये गंगोत्री यमुनोत्री, गंगोत्री यमुनोत्री। हाँ, ये बद्रीनाथ केदारनाथ। हाँ,
आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? सर मार्जु। हाँ, आपका क्या नाम है? परमोट। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जो प्रयाग रहने वाले। यहीं के रहने वाले? जो प्रयाग यहीं। अच्छा, नहीं पहले तो कहीं और के रहे होंगे आपके बाप दादा? जो प्रयाग कान को मुट। अच्छा, सुनाई कम देता है। चलिए हम करते हैं। हाँ करते हैं हम। प्रणाम प्रणाम। तो दोस्तों, आपने भव्य अवलोकन किया और हमें लग रहा है कि जो पुण्य हमने अर्जित किया है, पुण्य का कोई हम पुण्य का काम तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन मैं इस पवित्र देवप्रयाग से प्रार्थना करूंगा कि समस्त पुण्य आपको प्राप्त हो। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज देवभूमि उत्तराखंड के देवप्रयाग में पहुंचा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विनम्रता के साथ सभी आत्मीय दोस्तों को जो देश विदेश से जुड़े हुए हैं, उन्हें सादर नमस्कार।